भारत के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए? यह सवाल अरविंद केजरीवाल ने देश की जनता से पूछा है। इसको लेकर अब बवाल बढ़ता जा रहा है। सियासी तौर पर आम आदमी पार्टी सीधे केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं। ये सारी चीजें अब पब्लिक डोमेन में है, लेकिन हम सबसे पहले आपको चलिए देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के शिक्षा के बारे में बताते हैं और फिर केजरीवाल के सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से नेचुरल साइंस की डिग्री ली थी, इसके साथ ही इनर टेम्पल से वकालत की पढ़ाई की थी। दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने वाराणसी के काशी विद्यापीठ से बैचलर की डिग्री हासिल की थी। देश की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने विश्व भारती, शांति निकेतन, समर विले कॉलेज, ऑक्सफोर्ड जैसे संस्थानों से शिक्षा ली थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय से प्रशस्ति पत्र भी मिल चुका है। देश के चौथे प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई, जिन्होंने बॉम्बे प्रांत के विल्सन सिविल सर्विस से ग्रेजुएशन पूरी की थी। पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने विज्ञान से ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी, आगरा यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। देश के छठवें प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिन्होंने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज और लंदन के इंपीरियल कॉलेज से पढ़ाई की थी, इसके साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स भी किया। देश के सातवें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट लॉ की डिग्री ली, इसके साथ ही पुणे यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। देश के आठवें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जिन्होंने यूपी के सतीश चंद्र पीजी कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। देश के नौवें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की, फिर हिस लॉ कॉलेज से लॉ में मास्टर्स किया। देश के दसवें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत में ग्वालियर विक्टोरिया कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, कानपुर के डीएवी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में एमए की डिग्री प्राप्त की। प्रधानमंत्री एसडी देवगौड़ा, देश के 11वें प्रधानमंत्री, जिन्होंने हसन के एलबी पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया। देश के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, जिन्होंने एमए और बीकॉम की पढ़ाई की, पीएचडी और डीलिट की उपाधि भी मिली थी। देश के 13वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेताओं में से एक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में ऑनर्स की डिग्री हासिल की और फिर अर्थशास्त्र में डिफिल भी किया। देश के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी डिग्री को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है। ताजा विवाद इसलिए है क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम की डिग्री को लेकर सवाल पूछे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से साल 1978 में बीए किया, गुजरात विश्वविद्यालय से 1983 में राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इनकी जानकारी उन्होंने चुनावी हलफनामों में दी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल डिग्री को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या देश को ये जानने का अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं। इसको लेकर केंद्रीय सूचना आयोग ने एक आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि पीएमओ प्रधानमंत्री मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री जारी करे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानकारी उपलब्ध कराए। इसी आदेश को गुजरात हाईकोर्ट में गुजरात यूनिवर्सिटी ने चुनौती दी। इस पर गुजरात हाईकोर्ट ने सीआईसी के आदेश पर स्टे लगा दिया और अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना ठोक दिया, क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें कहा गया है कि आरटीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा। इस तरह के तर्क सुनकर गुजरात हाईकोर्ट ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी और पीएमओ को कहा कि पीएम की डिग्री सार्वजनिक करने की
कोई जरूरत नहीं है। तो क्या सच में प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं? वैसे अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए उन्होंने अपनी शिक्षा को लेकर जानकारी दी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर रहस्य लगातार बना हुआ है। ऐसा क्या है जिसको छिपाया जा रहा है?